घर में पेंटिंग का काम, पेंटिंग का नहीं पेंट का, घर में पेंट का काम दोबारा शुरू हो चुका है। अभी ये पेंट हो रहा है ड्राइंग। ये है सूफी जी। सूफी जी इधर तो देखें, जरा नीचे तो आए। सूफी जी कैमरा नीचे तो आए, जरा तशरीफ है कैमरा है। हाँ जी ये है कैमरा, ये कैमरा ही है। और ये क्या कोई तरबूज है? आए नीचे। सूफी जी को ऊंचा सुनता है। सूफी जी, सूफी जी हाँ जी नीचे आए। आ गए। सूफी जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं? तो सूफी जी आप ये बताएं जरा कि आप पेंट का काम कब से कर रहे हैं? ये मुझे कम से कम 35-40 साल हो गए हैं। अच्छा 35-40 साल। तो सूफी जी अगर किसी को कामयाब होना हो, कारोबार में कामयाब होना हो, तो क्या करना चाहिए उसको? बंदा क्या करे? क्या करे कामयाब होने के लिए? क्या करे? ये करे अपनी कोशिश करे, अपनी मेहनत करे, जो राय जाए ना जाए, बल्कि की अच्छी रोजी रोजगार लग सके। यानी कि आप मेहनत के साथ ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात की आपने। नॉर्मली ऑटो फोकस पे ना जब आप कैमरा ज़रा सा शेक करते हैं, या खुद हिलते हैं, या आप हिलाते हैं कैमरे को, या मूव करते हैं या चलते हैं, तो कैमरा ऑटो फोकस पे फोकस हटा देता है, फिर ढूंढता है फोकस करने के लिए दोबारा। लेकिन अब देखिएगा बैकग्राउंड ब्लर रहेगा हल्का हल्का मेरा, और मैं फोकस पे रहूँगा। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, थोड़ा कैमरा भी करीब किया, अब दूर किया, लेकिन जो है मुझे फोकस रखेगा कैमरा। अब ये मैं बताता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। पहले आपने सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए ये आपने शटर का बटन जो है एक दफ़ा हल्का सा टैप करना, ताकि वो आपको फोकस कर ले। हाँ मैं बता रहा हूँ, फोकस कर लिया। उसके बाद आपने साथ ही ना ये ए ई और ए एफ एल ये लॉक, ये साइन भी बना हुआ, की का निशान बना हुआ, इसको आपने प्रेस कर देना। जो फोकस की ये सेटिंग है ना ए एफ एस और ये मैनुअल फोकस, तो ये ए एफ एस पे जो है वो सही कर रहा है इसको, सही काम जो है ना ए एफ एस पे करेगा ये। तो लुकमान भाई अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके पास भी D5300 है, और आपने मेरे से पूछा था कि यार आप किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये ऑटो फोकस वाली और जो ब्लर रह जाता है। तो हल्का सा शटर प्रेस करें, हाफ प्रेस करें, और ए ई और ए एफ वाला जो ऑटो फोकस लॉक का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, तो वो कर लेगा आपको फोकस करके लॉक, बैकग्राउंड कर देगा ब्लर, चाहे फिर आप मूव करें और जो मर्जी करें, चाहे आप डांस करें जो मर्जी करें। और कुछ अर्ली कमेंटर्स हैं, अभी ब्लॉग मेरा थोड़ी देर हुई है लाइव किया है, स्केड्यूल किया हुआ था मैंने। जो जो लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं, पहले घंटे में मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई में लेट नाइट करता हूँ या फिर मैं अगले दिन करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि किस किस के कमेंट आ भी गए हैं पहले घंटे में। अच्छा जी ये कुछ अर्ली कमेंट आए हैं, अमार नदीम, सिशान, मोटो व्लॉग्स, अबाउट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मोहम्मद जसाल, इर्तज़ा कासमी, डी के वाइन्स, उमर फारूक, हारून बर्ड, नवेश। तो आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने पहले घंटे में कमेंट किए इतना सारे लोगों ने, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मैं कहना चाहता हूँ अगर आप में से कोई vlogging.pk पे YouTube से रिलेटेड
गेस्ट ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता है तो मुझे बता सकता है इंस्टाग्राम पे आके। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा, आपको पहले medium.com पे अपना अकाउंट बना के एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करनी होगी, लिंक मुझे सेंड करना होगा ताकि मैं देख सकूँ आप किस तरह का लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा गेस्ट पोस्ट लिखने का आपके ब्लॉग पे, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या फ़ायदा होगा। जब हम कोई गेस्ट पोस्ट लिखते हैं ना, हम एंड पे ऑथर बायो लिखते हैं कि ये ऑथर कौन है, किसने ये ब्लॉग पोस्ट लिखी है। अब उस पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपनी फेसबुक पेज, अपनी प्रोफाइल या अपना ब्लॉग एंड पे मेंशन कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट के एंड पे। तो आप लोग अपना यूट्यूब चैनल मेंशन कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है जो लोग पढ़ेंगे, रीडर जो पढ़ेंगे उसके सब्सक्राइबर भी हैं, 35 हैं वैसे तो सिर्फ उसके सब्सक्राइबर भी ब्लॉगिंग डॉट पी के, लेकिन बढ़ते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं उसके। जितना ज़्यादा उस पर काम होगा ज़ाहिर है उतना वो ग्रो करेगा, उतने उसके उतने रीडर बढ़ेंगे। तो सेंड करें अगर आपको गेस्ट पोस्ट लिखनी है उसके लिए। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी ब्रॉडबैंड की शिकायत नंबर 6-8 ठीक कर दी गई है। अगर ये दुरुस्त है तो 1 दबाइए, अगर मसला बरकरार है तो 2 दबाइए। आपकी फीडबैक का शुक्रिया। ऑफिस जाने से पहले नेट से करवा रहा हूँ, नेट की प्रॉब्लम चल रही है यार, ये है हमारी लाइन में। हाँ जी, की बने यार, चेक करना सी। वो अभी तेरा लाइन चेक करने गए हैं, मैं इतने रेडी हो जाऊँ थोड़ा चेंज कर लूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो नेट जो है वो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद सही हो चुका है। ये हमारे लाइन मैन अजमल साहब। अजमल साहब दसो की मसला सीगा। तार का मसला सी ना, इन्होंने मसला हल कर दिया है, अब इनको हम चाय पिलाएंगे। इंटरनेट फिक्स हो चुका है, अब मैं कुछ एक और काम करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बोरिंग होगा। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं।